नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा तिवारी। भगवान शिव की नगरी काशी यूं तो अनेक धार्मिक स्थलों एवं तपोस्थली के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से एक तपोस्थली है मांडवी तपोस्थली, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मांडवी ऋषि ने वर्षों तपस्या की थी, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम मंडवाडी पड़ा। लेकिन विगत वर्षों से गंदगी का शिकार हुआ यह पोखरा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इस तालाब के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाकर इसके सुंदरीकरण का कार्य कराया जा रहा। पेश है इस पर राजेश वर्मा की रिपोर्ट। वाराणसी के मंडवाडी क्षेत्र स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना यह पोखरा, जिसे मांडवी पोखरा भी कहा जाता है, इस पोखरे को लेकर ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर मांडवी ऋषि का आश्रम होता था और उन्होंने वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम मंडवाडी पड़ा। बता दें कि इस तालाब की अपनी अलग धार्मिक महत्व है। पोखरे के दक्षिणी छोर पर गणेश एवं हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर भी है, जिसकी अपनी अलग पौराणिक मान्यता है। और इसी तालाब से सटा अंतर्गृहणी मार्ग भी है, जहां से श्रद्धालु परिक्रमा करने जाते हैं। परंतु कुछ वर्षों से तालाब में फैली गंदगी, कूड़ा कचरा इत्यादि इसके अस्तित्व को संकट में डाल रही है। वहीं इसकी अत्यंत विकट स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया एवं मंडवाडी थाना प्रभारी द्वारा तालाब का विधिवत भूमि पूजन कर पोकलैंड मशीन द्वारा तालाब की साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया, जिससे कि इसका सुंदरीकरण हो सके और इसे अपने पुराने एवं पवित्र स्वरूप में लाया जा सके। अभी हम मौजूद हैं ऋषि मांडवी की तपोस्थली मंडवाडी के मांडवी तालाब के पास। यह तालाब अपने आप में कई पौराणिक मान्यताओं को समेटे हुए है। यदि हम इसके पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो यह अपने आप में काफ़ी प्राचीन है। इसके दक्षिणी छोर पर गणेश जी व हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी है, जिसकी अपनी अलग महत्वता है। लेकिन यदि हम इसके वर्तमान परिदृश्य पर नज़र डालें तो देख सकते हैं कि तालाब की जो स्थिति है वो अपने इस समय अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। स्थानीय लोगों द्वारा कईयों बार गुहार लगाने के बाद प्रशासन ने इसे अपने संज्ञान में लिया एवं इसके जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया। आइए इस बारे में हम बात करते हैं उपजिलाधिकारी सुशील कुमार गौड़ जी से कि इसके सुंदरीकरण के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है। अभी काफ़ी समय से इस पर प्रयास किया गया था कि मनरेगा के तहत इसका सौंदर्यीकरण कराया जा सके, लेकिन ये इतना इसका दूषित पानी हो चुका है कि इसमें कोई भी मजदूर इसमें उतरने की स्थिति में नहीं था। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये डीएम साहब की तरफ से एक पहल की गई कि मतलब इसमें जो भी संसाधन यूज हो सकते हैं उसको करके इसके ऐतिहासिक स्वरूप को अपने मूल स्वरूप में लाया जा सके, तो इसके लिए पोकलैंड मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि आप देख भी रही हैं। और इससे ये प्रयास है कि इसका जितना मलबा निकल रहा है इसको कहीं किनारे लगा के, इसका पानी जो दूषित पानी है इसको कहीं और अन्यत्र विस्थापित हटा के या फ्रेश पानी भरवाया जाए और इसके सौंदर्यीकरण का कार्य जो है जिला प्रशासन के सहयोग से कराया जाए। सर, हम कब तक उम्मीद करें कि ये कार्य संपूर्ण हो? अभी देखिए, तालाब करीब 3 एकड़ का है और कई करीब 3 दशक से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इसमें हमको लगता है कि 1-2 महीने का समय लग सकता है अभी इसको सौंदर्यीकरण कराने के लिए। इसके किनारे जो अवैध कब्जे हैं उनको नोटिस दे दी गई है, लेकिन हम कब तक उम्मीद करें कि वो अवैध कब्जे मुक्त? नहीं, यहाँ पे कुछ 13 परिवार ऐसे थे जो तालाब के किनारे अपना कई सालों से रह रहे थे, तो इनको जो नोटिस देने के बाद जो है व्यक्तिगत तौर से हम लोग रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफी कराई गई। इनको रैन बसेरा मेरे खुद द्वारा देखा गया और रैन बसेरा काफ़ी व्यवस्थित था, वहाँ इन लोगों को शिफ्ट कराया गया है। स्वेच्छा से ये लोग अपना सामान लेकर वहाँ शिफ्ट भी हो रहे हैं और इधर इस साइड जो तालाब के किनारे वाले जो इनका आगे का पोर्शन है वो अपना सुरक्षित है, पीछे जो तालाब के अंदर जो घुसा हुआ पोर्शन उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। सर, मंडवाडी में सब्जी मंडी में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें कि सब्जी मंडी को तो पीछे शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जो मछली मंडी है उसको वहां से हटा दिया गया, तो उसको शिफ्ट करने के लिए कहीं जगह देखी गई है? बिल्कुल, इसमें नगर निगम और प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत जहां भी सरकारी जमीन हो सकती है जहां इनको व्यवस्थित किया जाएगा उसके लिए प्रयास जारी है। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ मौजूद थे उपजिलाधिकारी सुशील कुमार गौड़ जी। उन्होंने बताया कि इस तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो जाएगा और हमें उम्मीद भी है कि जल्द ही हम इस तालाब को इसके वास्तविक स्वरूप में देख सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश वर्मा के साथ मैं प्रतिमा तिवारी, वाराणसी से हंगामा न्यूज के लिए।